विकासखंड माकड़ी के ग्राम पंचायत कुल्लू बहार की कुमारी बिंदेश्वरी नेताम उम्र 16 वर्ष, पिता रेनू नेताम 10वीं की छात्रा है जो कि 10वीं का पेपर दिलाने हीरापुर जा रही थी। वहीं उसे मधुमक्खियों ने बुरी तरह से घायल कर दिया जिसे लोगों ने बचाने का प्रयास किया। तो उनके पिताजी को फोन लगाकर बुलाए तो पिताजी उसे बचाने आए तो मधुमक्खियों ने उन्हें भी काट लिया। तुरंत 108 को बुलाया गया और साथ ही छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माकड़ी में रखा गया जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और अभी अभी उनके पिताजी को भी लाया गया। आज 10वीं का गणित का पेपर है जिसको दिलाने के लिए स्कूली छात्रा अपने घर से स्कूल की ओर जा रही थी जिससे यह घटना हुई, जिससे बच्ची बुरी तरह से घायल हुई है। साथ ही उनके पिताजी भी घायल हुए हैं और साथ ही साथ पूरन पांडे जी जो कि पीड़ापाल स्कूल में स्वीपर का काम करते हैं वह भी अपनी बच्ची को छोड़कर वापस आ रहे थे, उन्हें भी मधुमक्खियों ने घायल कर दिया। माकड़ी से रोशन सेन की रिपोर्ट। नाम क्या है? नाम श्रीनाथ। क्या हुआ? बगल लड़की का। हाँ, कुमारी बिंदेश्वरी नेताम। हाँ, ग्राम कुरलवार। हाँ, नया पारा की है। हाँ, स्कूल जा रही थी 10वीं पेपर दिलाने के लिए। हाँ, बीच रास्ता में जो हीरापुर विश्वनाथगढ़ के सामने। हाँ, मधुमक्खी काट दी। हाँ, 10वीं पेपर दिला रही थी, 10वीं की गणित की पेपर दिलाने के लिए जा रही थी। हाँ, और उसके बाद उसके पापा है। हाँ, उसके पापा बचाने के लिए जो गया था लड़की को, जो जैसे हीरापुर वाले फ़ोन करके बता दिए, तब लड़की के पास गया तब उसके पिताजी को छाप दिए हैं, उसको भी अभी ला रहे हैं हॉस्पिटल में। और उसके पिताजी का नाम क्या है? रेणू राम नेताम, कुरली बाहर का ही है अभी। घायल हुआ है, मधुमक्खी मतलब हमला कर दिया, उसके बारे में बताइए क्या स्थिति है? एक्चुअली ये लड़की हमारे पास आई है, सुबह सुबह स्कूल जा रही थी अपना एग्ज़ाम देने के लिए, अपने पिताजी के साथ जा रही थी जी। तो उस समय मधुमक्खी का जो छत्ता है जी, उससे मधुमक्खियाँ निकल के जी दोनों को, पिताजी को और उनकी जो बेटी जी, दोनों को काटी है और इनको ज़्यादा काटती है जो छोटी बच्ची है एग्ज़ाम देने जा रही थी जी। तो नियर अबाउट उसको है 100 से 150 के आसपास मधुमक्खियाँ एक साथ घेर के काटी हैं जी, जिसके कारण से काफ़ी सारा उनको डैमेज हुआ है जी। और अभी भी हम लोगों ने इतने सारे 20 सिंग निकाले हैं जिसका नंबर्स नहीं गिन पाए हैं जी जी। और दोनों जो कान थे उसके, दोनों कान में जिंदा जी, जो हनी बी रहता है जो मधुमक्खी जो रहती है जिंदा निकाली गई है जी। और इतना सब होने के बाद जो जहर का असर है उसके कारण स्थिति बहुत गंभीर आ गई जी। और फिर अभी आगे का देखते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अगर एक्सपर्ट ओपिनियन रहेगा तो फिर आगे की चीज़ें हम पूछ के बताएंगे। सर उसका रिफ़र करने के चांस है? रिफ़र के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी जो आगे का अंदेशा अगर हमको लगेगा कि अगर हाँ करना चाहिए या फिर जो अंदर में अगर और कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको किया जाए। सब शुभ नाम आपका सर? डॉक्टर मोहम्मद। थैंक यू सर।